आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। नर्स हत्याकांड का खुलासा, मजदूर ने लूट के बाद किया था दुष्कर्म, फिर बेरहमी से दी थी मौत। नर्स नैनीताल रोड स्थित एक अस्पताल में काम करती थी, वह बीती 30 जुलाई से लापता थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की तो उसका कंकाल मिला था। सांड से टकराने के बाद ही घायल हुआ वनकर्मी, मेदांता में दम तोड़ा, परिवार में मचा कोहराम। हल्द्वानी में सांड से टकराने के बाद घायल हुए वनकर्मी की मेदांता हॉस्पिटल में मौत हो गई। वनकर्मी की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। विभाग ने भी कर्मचारी की मौत पर दुख जताया। उत्तराखंड पुलिस में अब बाहरी भी बन सकेंगे दरोगा, धामी कैबिनेट में संशोधन नियमावली को दी मंजूरी। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाली बाहरी लोगों के परिजन भी उत्तराखंड में दरोगा बन सकते हैं। छोटा भाई ही निकला हृदय प्रकाश का हत्यारोपी, सोते समय धारदार हथियार से रेता था गला। महिला मित्र से मिलने की जिद पर अड़ी युवती ने उठाया खौफनाक कदम, पुलिस के भी उड़े होश। महिला मित्र और उसके दोस्त से मिलने की जिद में एक सिरफिरी युवती डबल फ्लोर मकान की छत में चढ़ गई। पुलिस के काफ़ी समझाने के बाद भी युवती नहीं मानी और छत से नीचे कूद गई। नीचे खड़े पुलिस कर्मियों ने चादर तानकर उसे बचा लिया। यह पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा तीरेशपुर में हुआ। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड के नए जेल एक्ट को दी मंजूरी, खत्म होंगे अंग्रेजों के कानून। उत्तराखंड के नए जेल एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब जल्द ही इस प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इस एक्ट का उद्देश्य कैदियों को सजा देना नहीं बल्कि उनके सुधार के लिए काम करना होगा। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में होटल संचालक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी से थी साठगांठ। कुंडू पुल के ट्रीटमेंट का काम शुरू, विकल्प के तौर पर बनाया जाएगा बैली ब्रिज। कुंड पुल के ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया गया है। गुरुवार तक कंक्रीट की दीवार का कार्य पूर्ण हो जाएगा। साथ ही विकल्प के तौर पर पुल से बैराज की और 10 मीटर की दूरी पर बैली ब्रिज स्थापित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में जोशीमठ में भू धसाव मामले पर हुई सुनवाई, राज्य सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय। नैनीताल हाईकोर्ट में जोशीमठ में भू धसाव मामले पर सुनवाई हुई। इसी बीच राज्य सरकार ने इस मामले के समाधान करने हेतु कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है, जिस पर हाईकोर्ट ने अगले सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। उत्तराखंड के 7 पुलिस अफसर और कर्मियों को मिलेगा सराहनीय सेवा पदक, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस 2024 पर उत्तराखंड पुलिस महकमे के 7 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक में सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हाथों से सम्मानित करेंगी। दून पुलिस ने तोड़ी कोबरा गैंग की कमर, विदेशी ड्रग पैडलर जॉन बाबा गिरफ्तार, पूछताछ में किए बड़े खुलासे। दून पुलिस ने कोबरा गैंग के विदेशी पैडलर को गिरफ्तार किया। विदेशी पैडलर की पहचान जॉन बाबा के नाम से हुई है। जॉन बाबा तंजानिया देश के नागरिक हैं। डिमांड के मुताबिक वो देश के अलग अलग हिस्सों में कोकीन सप्लाई का काम करते हैं। ये सप्लाई एजेंट्स और पैडलर्स की होती थी। हरिद्वार कॉरिडोर के खिलाफ विपक्ष की जन आक्रोश सभा, कांग्रेस बोली अयोध्या बनारस की तरह कारोबारियों को उजड़ने नहीं देंगे। हरिद्वार हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी खुलकर आमने सामने आ गए। दोनों इस मुद्दे पर खुलकर खेल रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस हर की पौड़ी कॉरिडोर का विरोध कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अमेरिका भेजने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देहरादून जेल में सजा काट रही महिलाओं से मिली बाल आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना, बच्चों को दुलारती भी दिखी। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने सुद्धोवाला जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल में सजायाफ्ता कैदियों और उनके बच्चों का हाल जाना, साथ ही बच्चों से भी की बात। उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों के मानसिक और बौद्धिक विकास का ध्यान रखा जा रहा है। छात्रों को निःशुल्क मिलेगा आईटी कोर्सेज का लाभ, विदेश में होगी पढ़ाई, स्प्रिंग बोर्ड इन्फोसिस के साथ एमओयू साइन। 10वीं 12वीं की अंक सुधार परीक्षा का परिणाम जारी, छात्र यहां कर सकते हैं चेक। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एक विषय में फेल छात्र छात्राओं को परीक्षा में पास होने के लिए 3 मौके दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा सुधार वर्ष
2024 प्रथम और वर्ष 2023 तृतीय का परीक्षाफल जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, महानिदेशक बंसीधर तिवारी समेत परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने परीक्षाफल घोषित किया। परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट में देख सकते हैं।